हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग एमएसक्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं हूँ अभी एबी गोट फार्म पे, मीरा रोड फाउंटेन होटल के पास, और हमारे साथ है अफसार भाई है हमारे साथ और सागर भाई है। दोनों ही मिलके इस फार्म को रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। मैं आगे की स्टोरी में आप लोगों को पूरी चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह, जो आप लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, नमस्ते। नमस्ते, माशाल्लाह, क्या बात है। तो सबसे पहले तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए आपके बारे में, ये जो फार्म है ये किस जगह लोकेटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जी। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर बकरी बकरी जो दिखाना वो तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अफसार भाई थोड़ा सा बताएंगे कि अपना लोकेशन कहाँ है। समीर भाई, हमारा जो फार्म है वो मीरा रोड फाउंटेन होटल के पास लोकेटेड है जी। मीरा रोड में फाउंटेन होटल एक बहुत फेमस नाका है हाईवे पे, वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑन हाईवे हमारा फार्म है। हाईवे से एकदम टच है जी। हाँ, जहाँ से 3 सिटीज मिलती है, थाने, मुंबई और वसई विरार सिटी मिलती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी के लिए भी इजीली एक्सेसिबल है कि वो आराम से फार्म पे पहुँच सकता आ सकता है, ठीक है। और ये जो अपना फार्म है ये कितने साल से इस जगह से आप लोग रन कर रहे हो? हम लोग 2019 से रन कर रहे हैं। 2019 से जी हाँ। और पहला ही सीजन आपको लॉकडाउन का लगा था यहाँ पे? पहला ही लॉकडाउन का सीजन हमारा लगा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा था, हमारे लिए अच्छा रहा था, क्योंकि हम लोग जो स्टॉक लाए थे, बकरे जो भी लाए थे, सारे सोल्ड आउट हो गए थे। तो वहीं से गेम चेंजर साबित हुआ वो। वही गेम चेंजर। शुरुआत कैसे की थी भाई दोनों ने मिल के? हम लोग दोनों प्रोफेसर्स हैं और एक ही क्लासेस में पढ़ाते थे, हम लोग का ब्रेक रहता तो रिसेस में हम लोग मिलते थे, बातचीत होती थी, अच्छी फ्रेंडशिप हमारी हो गई जी। तो ये प्लानिंग थी कि कुछ तो साथ में करना है, कुछ करना है, लेकिन आइडिया नहीं था कि क्या करना है। मेरा शौक था जानवरों का, बकरों का, तो मैंने एक ऐसे आइडिया दिया। सागर भी किसी कुछ ना कुछ नया करने के लिए रेडी था जी। उससे पहले जानवर से इतना वास्ता नहीं पड़ा था सागर का, लेकिन फिर बोला कि हम लोग करते हैं जी। तो बिस्मिल्लाह की हम लोगों ने 2 जानवर हम लोग लेकर आए, देवरार से बकरे लेकर आए, लेकिन वो भाग जाते थे बार बार बकरे, हम लोग कभी यहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, वहाँ से पकड़ के ला रहे हैं। तो मालूम पड़ा के फान के दूध के भाग के जाते हैं। हाँ, मालूम पड़ा कि ये भाग के जाएंगे, बकरियाँ लाना पड़ेंगे तो रुकेंगे। तो हम लोगों ने फिर कुछ 9 बकरियाँ लेकर आए। अच्छा, तो वहाँ से बस हमारी स्टार्टअप हो गया फार्म का। ओके, तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलो, एक ब्रीडिंग सेटअप चालू हो गया। जी हाँ, एक ब्रीडिंग सेटअप चालू हो गया। उसके बाद फिर आप लोग ट्रेडिंग में कैसे आए, मतलब ईद का सीजन आपने कैसे कंटिन्यू किया? जैसे ही हम लोगों ने बकरे लाए तो हम लोगों को आसपास मालूम पड़ने लगा कि काफी सारे मुंबई में भी बकरे मिलते हैं जो हम लोगों ने यहाँ वहाँ से पता किया, फार्म के सेट बकरे, क्योंकि पहला साल था हमारा तो हम लोग भी बाहर से जानवर नहीं लाना चाह रहे थे जी। कि हमें वैक्सीन के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, दवा इलाज के बारे में, और जानवर को सेट कैसे करना है वो नहीं मालूम था। तो कहीं ना कहीं मन में था कि हम लोगों को लोकल के जानवर खरीदने जो क्लाइमेट सेट हो, तो कि हमें तकलीफ ना हो, नए सीखे आते हम लोग तो तकलीफ ना हो हम लोग। तो थोड़े थोड़े जानवर लाए हम लोगों ने वहाँ से, हमारे पास लोग आने लगे, कुछ लोग तो सिर्फ सूंघ के आ जाते थे समीर भाई कि बकरी की खुशबू आ रही है यहाँ से, कुछ तो है। तो फिर पहचान बनने लगी थोड़ा थोड़ा करके जी, और शुरू हो गया इसी तरीके ऐसे करके काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्रीडिंग सेटअप अभी तक अपना चलता आया है? जी हाँ, ब्रीडिंग सेटअप की वो बकरियाँ हमारे पास अभी भी हैं जो चालू है और हमारे पास बच्चे दे रही हैं उस टाइम से जो चल रही है अभी तक है उनकी जनरेशन अपने पास जी। चलो बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट सीजन आपने लॉकडाउन का निकाला, उसके बाद से पूरा गेम चेंज हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फार्म रन हो रहा है। हम लोग यहाँ पे पलाई का भी कॉन्सेप्ट चला रहे हैं जी। तो पलाई बकरे रखते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पास हैं काफी सारे बकरे हैं पलाई पे, 150 बकरे होते हैं, 150 बकरे पलाई पे रहते हैं हमारे। क्या पलाई लेते हैं वैसे आप लोग? हमारा अभी क्योंकि आप देख रहे हो हमारा वैसे नॉर्मल रेट 2500-3000 था, लेकिन फिलहाल 2-4 महीने से आप देख रहे हो कि बकरों का फीड ऐसी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई हो गया जी। हरी पत्ती वगैरह, जौ, बाजरा, ये महंगा होता जा रहा है, तो हम लोगों को इसलिए 500 रुपए उसको बढ़ाना पड़े। ओके, तो 3000 और 3500 है और 3500 है, मतलब सब समीर भाई 4 साल पहले भी वही रेट पलाई का कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम की हरी पत्ती 13-14 रुपए, आज 35-40 रुपए किलो पड़ रही है। भाई मैं ना कस्टमर को भी समझना जरूरी है, अक्सर करके वीडियो में पलाई वालों को बोलता हूँ कि सलाम है मेरा कि कितने मुश्किलों से वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं वो हम लोग ही जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर तो कनेक्ट नहीं होता है किसी फार्म ओनर से, सिर्फ एक बकरा उसका बीच में जो होता है उसी के लिए वो वीकेंड पे वो लोग जाते हैं देखते हैं। कुछ कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं जो नहीं जाते, ज़्यादातर हमारे कॉन्टेक्ट में फार्म वाले यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्ट में होते हैं और यूट्यूबर्स को भी हर एक चीज़ की नॉलेज लगभग होती है, तो समझ में आता है कि क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन है और क्या इसमें इफ एंड बर्ड्स है, जो भी है वो सब चीज़ें हम लोग को समझ में आती है। तो उसके लिए भाई मैं फिर एक बार सलाम करूँगा सभी लोग फार्मर्स को, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। मुंबई में लोगों ने एक नया एक पूरा वो बना लिया है, कंसेप्ट बना लिया है कि
बहुत अच्छा काम करके दिखा रहे, लोग अच्छे बकरे तैयार कर रहे हैं मुंबई में, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे। जब से हमने फार्म स्टार्ट किया है तब से बहुत ओवरसीज कस्टमर अपने पास बहुत है, दुबई के, लंदन के, अबू धाबी, साउथ अफ्रीका, ओमान के, सऊदी अरेबिया के, सऊदी के, बहुत सारे कस्टमर है जो 5 साल से जुड़े हुए हैं। 5 साल से कस्टमर ऐसे है कि आज तक फार्म विजिट भी नहीं किया, देखा भी नहीं उन लोगों ने। इंडिया में वो चाहे हैदराबाद से भी गए हैं, हैदराबाद से है, बैंगलोर से है, तो आज तक फार्म भी नहीं है, लेकिन हर साल यहाँ पे बकरा तैयार होकर उनके घर पे कुर्बानी के लिए जाते हैं। माशाल्लाह, क्योंकि बकरियाँ भी अपने पास पलाई के लिए है। जी ऐसा है। अच्छा, ये एक मुंबई का एक पहला ऐसा फार्म है जो लगभग ज़मीन से मेरे ख्याल से 101 फीट ऊपर होगा, मतलब ये जहाँ हम लोग बैठे ये पूरा ऐसा एलिवेटेड है, हम लोग जहाँ बैठे ये समझो पहाड़ की ऊंचाई पर है, ये पहाड़ का टुकड़ा था जिसको हम लोगों ने कट कर के काम कर के ऐसा लेवल पूरे फार्म का शेप दिया। जैसे भी ये हिस्सा सामने आप देख रहे हो, ये हिस्सा ये गेट तक था, इसको इन्होंने कट करके यहाँ तक लिया, फिर उधर एक बाड़ा तैयार हुआ, ऐसे ही आगे एक बाड़ा तैयार हुआ, पीछे एक बाड़ा तैयार हुआ, ऐसे करके इन्होंने पूरा लगभग मेरे अंदाज से एक 8-10 घंटे में तो फार्म ही है बराबर, बकरों के रहने की जगह, फिर उसके बाद लेबर रूम है, खुद के लिए रूम इन्होंने रखा है, सारी चीज़ें 5 साल में हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है, थोड़ा थोड़ा कर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक देखा हूँ आसिम भाई के चैनल पे, आप लोग गुजरी वगैरह बहुत खूब लेकर आते हो यार भाई, माशाल्लाह, तो वो कब देखने को मिलेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द देखने को मिलेंगे समीर भाई, देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से हम लोग नया माल नहीं ला रहे थे कि बीमार बहुत पड़ता है और काफ़ी तकलीफ होती है सेट करने में, इसलिए नया माल नहीं ला रहे थे हम। हाँ हाँ हाँ। तो अब बारिश थोड़ी कम होने के आसार है, सितंबर से तो हम लोग माल लाना चालू करेंगे, गुजरी वगैरह अपने पास आएंगे, गुजरी, कोटा, मालवा, अच्छे से अच्छे बकरे हम लोग लाएंगे देंगे लोग, माशाल्लाह। और पलाई की बात हो गई, ब्रीडिंग सेटअप की बात हो गई, मैं तो सोचता हूँ कि 6 मिनट इसी को दे दी इंट्रोडक्शन पार्ट को, तो ये वीडियो को एंड करके दूसरा वीडियो बना लेते हैं अपन लोग, तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों की। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं पूछना भूल गया आप लोगों का, ए बी गोट फार्म का क्या मतलब है? यही एक कहानी का ट्विस्ट है। ए बी गोट फार्म जो है ये हमारे सरनेम के ऊपर है, ए स्टैंड फॉर आलम, बी स्टैंड फॉर भुईर, आलम भुईर गोट फार्म, तो दोनों के सरनेम जो है उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट जो है वो ए बी, आलम भुईर गोट फार्म, तो ये एक मिसाल है जो दोनों भाई लोग मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मेरे को पहली बार ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है यार, तो हाँ, और कंटिन्यू चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से जो पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह सामने आएंगे। और तुम लोगों को देखकर, तुम्हारी बॉन्डिंग को देखकर ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फ्यूचर में कभी कुछ होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पे जैसा चल रहा है वैसे लॉन्ग लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, और अल्लाह करे चलता रहे, ताकि मतलब जो जो समाज में जो चल रहा है ना, थोड़ा बहुत तो लेसन मिले लोगों को, सभी को तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो लेसन ले सकेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो ये कहानी का ट्विस्ट था, ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो क्लोज कर दे, आगे हम लोग ये पीछे बकरियां हैं वो अगले वीडियो में हम लोग आपको शो करेंगे सेलिंग के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।